फ्रेंड्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक और नया डिज़ाइन लेके आई हूँ। इस डिज़ाइन को आप बेबी स्वेटर में, बेबी जैकेट में, जेंट स्वेटर में, जेंट जैकेट में, लेडीज कार्डिगन में, किसी में भी डालिए, उसी में ये बन के बहुत ही सुंदर डिज़ाइन बन के आता है। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए हम 6 के मल्टीपल में फंदे लेके और 4 फंदे प्लस कर लेंगे तो हमारा ये डिज़ाइन सही से एडजस्ट हो जाएगा। देखिएगा फ्रेंड्स, डिज़ाइन बनाने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। चलिए तो फ्रेंड्स, अब हम अपना डिज़ाइन बनाना शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस डिज़ाइन को बनाने के लिए 6 के मल्टीपल में फंदे डाल के और ये 4 फंदे प्लस करके ये बॉर्डर बनाया है और थोड़ा सा ये डिज़ाइन बनाया है। तो यहाँ पे हम 2 फंदे उल्टे करेंगे, एक सीधा, 2 उल्टे, एक सीधा, ऐसे ही करते हुए हम अपनी डिज़ाइन को बनाना स्टार्ट करेंगे। चलिए तो फ्रेंड्स, अब हम इस डिज़ाइन को बनाते हैं। तो इसके लिए मैंने ये 6 के मल्टीपल में 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 4 फंदे और 16 फंदे डाल के डिज़ाइन बनाना शुरू किया है। और ये 2 सिलाइयाँ मैंने बॉर्डर के तौर पे इसमें उल्टी उल्टी बनाई दोनों साइड से। अब हम अपना डिज़ाइन बनाना शुरू करेंगे। तो पहला फंदा एच स्टिच है, उल्टा, फिर 2 फंदे और उल्टे बनाएंगे तो हमारे यहाँ पे 3 फंदे उल्टे बन जाएंगे। धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ करेंगे, 2 फंदे फिर उल्टे, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा फिर सीधा, धागा अपनी तरफ करेंगे, 2 फंदे फिर उल्टे, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा फिर सीधा, धागा अपनी तरफ करेंगे, 2 फंदे फिर उल्टे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा पीछे करेंगे, धागा सीधा, धागा अपनी तरफ, 3 फंदे उल्टे। आपके प्रोजेक्ट में जितने भी फंदे हों आप उनको ऐसे ही सेट करते जाइएगा, 2 उल्टे एक सीधा। अब आएंगे हम बैक साइड में। बैक साइड में जो फंदे यहाँ से उल्टे हैं वे यहाँ से सीधे बनेंगे, जो फंदा आप जैसा दिखाई देगा उसको वैसा ही बनाते जाएंगे। तो स्टार्टिंग में हमारे यहाँ पे 3 फंदे सीधे, फिर आगे धागा आगे, एक फंदा उल्टा, जो सीधी तरफ से सीधा था वो यहाँ से उल्टा बनेगा, धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, फिर धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे, एक 2 फंदे सीधे, 2 सीधे एक उल्टा बना के पूरी करेंगे इस रो को। देखिए फ्रेंड्स, अब हमारी ये थर्ड रो है। अब ये यहाँ पे 3 फंदे हमारे उल्टे हैं, एक सीधा, 2 उल्टे, एक सीधा। अब जो ये एक फंदा सीधा है इस पर हमारा डिजाइन बनेगा, ये खाली रहेगा, इस पर फिर डिजाइन बनेगा, ये ऐसे ही रहेगा। तो एक पे बनाएंगे, एक को छोड़ेंगे, एक पे बनाएंगे, एक को छोड़ेंगे, ऐसे इस डिजाइन को बनाते जाएंगे। तो ये 3 फंदे स्टार्टिंग के हैं जो हमारे, ये उल्टे ही बनेंगे, 2, 3, धागा पीछे करेंगे। अब जो ये सीधा फंदा है इस फंदे का पे 5 फंदे बनाएंगे, 1, धागा आगे करेंगे, 2, ये बनाएंगे 3, फिर धागा आगे करेंगे, ये 4 और बना दिया 5। तो एक फंदे से हमारे 5 फंदे बन गए, धागा आगे करेंगे, फिर 2 फंदे उल्टे बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा फिर सीधा बनाएंगे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, इस जो अब सीधा फंदा था इसको ऐसे ही बना देंगे, फिर 2 फंदे उल्टे। अब फिर ये सीधा फंदा है इस पर फिर 5 फंदे बनाएंगे, एक फंदा, धागा आगे करेंगे, फिर 2, फिर धागा आगे करेंगे, एक बार फिर बना देंगे, तो हमारे ये 5 फंदे बन गए एक फंदे से, धागा अपनी तरफ करेंगे और 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे करेंगे। अब फिर जो ये सीधा फंदा है इसको ऐसे ही बना देंगे सीधा, इस पर फंदे नहीं बढ़ाएंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, 3 फंदे उल्टे। ये हमारी थर्ड रो बन के तैयार हुई। अब आएंगे हम फोर्थ रो पे। फोर्थ रो पे ये 3 फंदे हमारे हैं जो ये सीधे बनेंगे, यहाँ पे 3 फंदे सीधे,
अब धागा अपनी तरफ करेंगे, जो ये फंदा यहाँ से सीधा है ये अपनी तरफ से उल्टा बनेगा। धागा पीछे करेंगे, अब जो ये दो फंदे यहाँ से उल्टे थे यहाँ से सीधे थे तो इनको सीधा ही बनाएंगे, एक और दो। अब जो ये पांच फंदे बने थे इनको भी सीधा बनाएंगे, दो तीन और चार और पांच, पांच फंदे ये सीधे बन गए, दो पहले सात बन गए, अब ये दो सीधे हैं जो इनको भी सीधा ही बनाएंगे। अब धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा उल्टा बनाएंगे, फिर धागा पीछे करेंगे। अब फिर हमारे ऐसे ही ये नौ फंदे सीधे बन जाएंगे, दो ये पहले से, पांच बीच में एक से पांच बने, दो आगे के, ऐसे ही इनको नौ फंदों को सीधा बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ और नौ। धागा अपनी तरफ, लास्ट का फंदा है जो, इसको भी सीधा बना देंगे ऐसे। अब आएंगे हम सीधी तरफ, सीधी तरफ आएंगे हम फिफ्थ रो पे। तो पहला फंदा हम ऐसे ही, जो हमारे ये उल्टे फंदे हैं यहाँ से सीधे थे नो, यहाँ से उल्टे बनेंगे, तो जो फंदा जैसा दिखाई देगा उसको ऐसे ही बना लेंगे। तो हमारे यहाँ पे एक एज स्टिच और नौ फंदे उल्टे, तो यहाँ पे 10 फंदे बन जाएंगे हमारे, 9 और ये 10। अब धागा पीछे करेंगे, अब जो ये एक फंदा सीधा है इसको ऐसे ही बना देंगे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर से 9 फंदे उल्टे बनाएंगे, दो तीन चार पाँच छ सात आठ और नौ। फिर धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और ये 3 फंदे फिर उल्टे लास्ट के। अब आएंगे हम बैक साइड में, बैक साइड में अब जो फंदे जैसे दिखाई देंगे इस पूरी रो को ऐसे ही बना देंगे। तो हमारे यहाँ पे 3 फंदे हैं सीधे, 3, धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे, फिर हमारे 9 फंदे सीधे, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ और नौ। फिर धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, फिर से 9 फंदे सीधे, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ और नौ, और ये एज स्टिच है इसको भी सीधा ही बनाएंगे। अब आएंगे हम सीधी तरफ, फिर से 10 फंदे फिर उल्टे, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ 10। धागा पीछे, एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ और फिर से 9 फंदे उल्टे, तीन चार पाँच छ सात आठ और नौ। धागा पीछे, एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ, 3 फंदे फिर उल्टे। अब आएंगे हम बैक साइड में, अब आ गए हम छठी सिलाई पर बैक साइड में। तो यहाँ से हमारे एक एज स्टिच है ये, और ये 9 फंदे फिर सीधे, तो यहाँ पे हमारे 10 फंदे सीधे बनेंगे, तीन तीन फंदे सॉरी 3 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे, फिर ये 9 फंदे फिर सीधे, तीन चार पाँच छ सात आठ
और 9, फिर धागा अपनी तरफ एक फंदा, फिर उल्टा, धागा पीछे और फिर 9 फंदे, फिर सीधे, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, लास्ट का फंदा फिर सीधा। अब आएंगे हम 7th रो पे। अब यहाँ पे हम अपना डिजाइन कंप्लीट करेंगे। तो ये पहला फंदा एज स्टिच था जैसे स्टार्टिंग में थे, फिर 2 फंदे और उल्टे बनाएंगे, तो यहाँ पे हमारे 3 फंदे उल्टे बन गए। अब हम जो ये 5 फंदे हैं, जो 1 से 5 बने थे, इन 5 का एक फंदा बनाएंगे। तो हम क्रोशिया की हेल्प से इसको बना लेंगे, 2, 3, 4 और 5। क्रोशिया लेंगे, सिलाई से थोड़ा सा मुश्किल से बनेगा, क्रोशिया से बहुत आसानी से निकल के आएगा यहाँ से, जैसे 5 फंदों का एक फंदा बना लेंगे और इसको ऐसे सिलाई पे डाल लेंगे ऐसे, और इसको खींच लेंगे थोड़ा सा, फिर ये 2 फंदे फिर उल्टे बनाएंगे ऐसे 2, फिर धागा पीछे करेंगे। अब जो ये एक फंदा है सीधा, यहाँ पे फिर हम ये फंदा सीधा ही बना देंगे, फिर अपनी तरफ करेंगे 2 फंदे फिर उल्टे, ये हमारी 7वीं सिलाई है। अब फिर धागा पीछे करेंगे, अब फिर ये 5 फंदे फिर लेंगे, 1, 2, 3, 4 और 5, तो ये धागा लेंगे और यहाँ से ऐसे इसको निकाल लेंगे 5ों में से ऐसे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और 2 फंदे फिर उल्टे, फिर धागा पीछे एक फंदा, फिर सीधा, फिर धागा अपनी तरफ, लास्ट के 3 फंदे फिर उल्टे, ऐसे हमारा ये डिजाइन बन के आएगा। अब आएंगे हम बैक साइड में। तो हमारी यहाँ पे ये 3 फंदे सीधे, ये हमारी 8वीं रो है, धागा अपनी तरफ एक फंदा उल्टा, धागा पीछे ये 2 फंदे फिर सीधे, फिर धागा अपनी तरफ, जो ये 5 का एक किया था ये फंदा यहाँ पे हमारा उल्टा बन जाएगा ऐसे, फिर धागा पीछे करेंगे और 2 फंदे फिर सीधे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे एक फंदा उल्टा, धागा पीछे करेंगे फिर 2 फंदे सीधे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, जो ये 5 का एक फंदा बना था ये यहाँ पे हमारा उल्टा बन जाएगा, धागा पीछे करेंगे फिर 2 फंदे, 3 फंदे सॉरी, ये अपने सीधे बनेंगे। अब आएंगे हम सीधी तरफ। देखिएगा फ्रेंड्स, अब हमारा ये डिजाइन ऐसे बन के कंप्लीट हुआ। अब हम अगली सिलाई में जो ये बीच का फंदा है इस पे डाल लेंगे डिजाइन और इस फंदे पे डाल लेंगे जो सीधा है। तो हम यहाँ पे जो सिलाई हमने यहाँ से स्टार्ट की थी वही फिर बन जाएगी यहाँ पे। तो 2 फंदे, 3 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, फिर 2 फंदे उल्टे, फिर जो ये बीच में सीधा है इसके 1 से 5 फंदे बन जाएंगे, फिर 2 सीधे उल्टे, फिर ये एक सीधा, फिर 2 उल्टे, फिर ये सीधा फंदा इस पे, फिर डिजाइन बन जाएगा। तो इन्हीं 8 सिलाइयों को रिपीट करते हुए जाइए और बहुत प्यारा सा डिजाइन बन के आएगा, और बनने के बाद बहुत ही प्यारी लुक बन के आती है। देखिएगा फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा डिजाइन पसंद आए और मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। थैंक यू।